नमस्कार आदाब नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली ख़ान पूरी टीम की तरफ से आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट में हुए इंतखाबात में वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ की हार के बाद गहराए सियासी बहरान और बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम के ख़िलाफ़ बैरूनी मुल्कों में हो रहे एहतजाज के अलावा दीगर शोबों की ख़बरों पर तहकीकती रिपोर्ट्स पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी सेनेट में वज़ीर ख़जाना की हार से बौखलाए पीएम इमरान खान। पाकिस्तानी जुल्म जबर पर बैरूनी मुल्कों में सरापा एहतजाज बलोच लीडरान। और पीडीएम के लीडरों ने की पाकिस्तान में मिड टर्म चुनाव करवाने की मांग। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का, जहां पाकिस्तानी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सेनेट के हालिया इंतखाबात में अपोजिशन जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की शानदार कामयाबी ने इमरान खान की तानाशाही हुकूमत के वजूद पर ही सवालिया निशान लगा दिए हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इमरान खान की हुकुमरान जमात पीटीआई की सबसे ज़्यादा 180 नशस्तें हैं, जबकि अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इत्तेहाद पीडीएम की महज 160 नशस्तें। ऐसे में पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख की सेनेट इंतखाबात में शिकस्त को लेकर इमरान खान हुकूमत की शदीद फजीहत हो रही है। अपोजिशन में ऐसे ही करते हैं, हम भी करते थे, लेकिन जीतेगा शेख हफीज इंशाल्लाह। वो हुकूमत जिसको आंख बंद के ये इलेक्शन जीतना चाहिए था, आज परेशान है कि वो हार रही हैं, उनका हुकूमत जा रही है। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की तानाशाही हुकूमत और अपोजिशन जमातें पार्लियामेंट के ऐवान बाला सीनेट के इंतखाबात में अपने अपने कैंडिडेट्स की जीत के दावे करती रही, लेकिन इमरान खान की हुक्मरान पार्टी पीटीआई के कुछ लीडरान तो अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के मद्द मुकाबिल हुकूमती उम्मीदवार वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की शानदार कामयाबी की पेशगोइयों पर मिठाइयां तक तकसीम करते रहे। लेकिन 3 मार्च 2021 को पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के आला ऑफिसर्स ने अपनी निगरानी में सीनेट में खुफिया बैलेट के जरिए पोलिंग करवाई और वोटिंग मुकम्मल होने पर 2 मरतबा वोट्स की गिनती करके नतीजे का ऐलान किया तो इमरान खान हुकूमत के होश उड़ गए। जनरल सीट के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं, और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। 7 वोट इनमें से रिजेक्टेड हैं, टोटल जो वोट कास्ट हुए हैं वो 340 हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा 180 सीटें रखने वाली इमरान खान हुकूमत के उम्मीदवार वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख को सीनेट इंतखाबात में सिर्फ 164 वोट ही मिले, जबकि पार्लियामेंट में कुल 160 नशिस्तों वाले ओपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी ने 169 वोट हासिल करके हुकूमती इत्तेहाद में बढ़ते इख्तलाफात की पुख्ता तस्दीक कर दी। इन इख्तलाफात की एक झलक सीनेट इंतखाबात से एक रोज कबल सिंध सूबाई असेंबली में हुए तसादुम से सामने आई, जब सिंध सूबाई असेंबली में पीटीआई में कुछ नाराज अरकान को जब खुद पीटीआई के लीडरान ही जबरन अगवा करके ले गए। इस अगवाकारी के बाद सिंध सूबाई असेंबली में पीटीआई के नाराज अराकीन अपनी पार्टी की मुखालफत में खुलकर सामने आ गए। पीटीआई में रहेंगे, मगर इजहार नाराजगी जो है वो हमारा जमहूरी हक है। आईन हमें, पाकिस्तान का आईन हमें इजाजत देता है कि हम अपना वोट जहां हमारा जमीर मुतमिन हो हम वहां करेंगे। हम क्या 5 साल 10 साल के बच्चे हैं कि उन्होंने उठा के गाड़ी में डाल दिया, हमें अगवा कर लिया।
तो बात ये है कि ये जो ड्रामा कर रहे हैं ड्रामा नहीं करे। मैं इनको ये कहता हूँ कि ये तो सारे गैर सियासी आदमी है। पीटीआई के बहुत सारे मेंबरान जो हैं वो आप ही के मीडिया पे आके अपनी डिससेटिस्फैक्शन सामने ला चुके हैं। हफीज शेख साहब जो हैं वो पीटीआई के रुकन नहीं हैं और वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो हर दौर के अंदर यहाँ पे मौजूद होते हैं। सिंध सूबे ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के चारों सूबों में ही इमरान खान की तानाशाही ज़हनियत को लेकर पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमातों के अंदर इख्तलाफात बढ़ने के हकायक मंजर-ए-आम पर आते रहे। यही वजह रही कि इमरान खान हुकूमत ने चारों सूबों में ही पीटीआई और इत्तेहादी पार्टियों के असेंबली अराकीन को सीनेट के इंतखाबात मुकम्मल होने तक न सिर्फ होटलों में यरहमाल बनाए रखा बल्कि उन्हें सीनेट इंतखाबात में पोलिंग की मोबाइल पर फोटो भेजने तक की सख्त हिदायत थी। दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टियों के मुश्तरका कैंडिडेट साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी को बदनाम करने के लिए एक खुफिया वीडियो टेप भी जारी करवाया गया और पीटीआई के असेंबली अराकीन से ऑपोजिशन पार्टी पीपीपी पर खरीदो फरोख्त के इल्जाम तक लगाए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो नहीं की। हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो इस्लामाबाद में हो रही है जहां पे प्राइम मिनिस्टर कल तक बैठ के अपने एमएनएस को इस बात के वादे कर रहे हैं कि वो उनके डेवलपमेंट के काम और जो दीगर काम उनके कंस्टिट्यूएंसीज के हैं वो करवाएंगे। तो ये भी एक किस्म के पैसे देने या हॉर्स ट्रेडिंग या अपने लोगों को साथ रखने की कोशिश है। बहरहाल हस्बे दस्तूर पाकिस्तानी इख्तदार पर काबिज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आला वुज़रा ने सीनेट इंतखाबात में वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की शिकस्त के बाद इस्लामाबाद में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर वफाकी वुज़रा ने ऑपोजिशन जमातों पर हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम ही नहीं लगाए बल्कि साफो सफाफ इंतखाबात की अनदेखी करने के लिए पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन तक को सीधे तौर पर कसूरवार ठहराया। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल ऑपोजिशन पार्टियां तमाम तानाशाही हरबों के बावजूद सीनेट इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी को जमहूरियत की जीत करार देते हुए जगह जगह जश्न मनाते रहे। अब बाद बलूचिस्तान में जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की बढ़ती जुल्म ज्यादतियों को लेकर दुनिया भर में मच रहे हाहाकार की। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल जर्मनी और नीदरलैंड के मुख्तलिफ शहरों में हुए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों से मंजर-ए-आम पर आई। खास बात यह रही कि जर्मनी और नीदरलैंड में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस जमातों के जिलावतन रहनुमाओं की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहरों के जरिए बैन अल-अक़वामी बिरादरी से बलूचिस्तान में जारी इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ रोकने की गुहार लगाई गई। पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरों के ये मनाजिर हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन के और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के बढ़ते जुल्म ज़ियातियों खिलाफ बर्लिन में सरापा एहतजाज बीएनएम यानी बलोच नेशनल मूवमेंट के जिला वतन लीडरान और सियासी कारकुनान। बर्लिन में इंसानी हकूक के आलमी इदारों और मीडिया से मुखातिब बलोच लीडरान ने बताया कि बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बर्बरियत की सारी हदें पार कर दी हैं। पाकिस्तानी फौज के बढ़ते मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले सियासी और इंसानी हकूक कारकुनों को जबरन अगवा करके माबराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। यही वजह रही कि जर्मनी में बीएनएम के जिला वतन लीडरान ने पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में धरने देने वाले लापता बलोचों के लवाहिकीन के साथ यकजहती का इजहार किया और उस धरने को खत्म कराने के लिए पाकिस्तानी वजीर बराए इंसानी हकूक श्री मजारी की जानिब से
लापता बलोचों के लवाहिकीन को दिलाई गई यकीन दहानी को धोखा करार दिया। जो ये समझते हैं कि अगर हम बलोच को मारें, टॉर्चर करें, उठाएं, अजाब करें, कोई उनका पूछने वाला नहीं है, लेकिन वो गलत सोचते हैं। बलोच के लिए बलोच करा है, दुनिया के किसी भी कोने में बलोच के लिए बलोच करा होता है, बलोच के आवाज बुलंद करने के लिए बलोच आवाज बुलंद करता है। इस दुनिया के किसी भी कोने में वो मुजरिम, वो गासिब, वो खूनी, वो दरिंदे आजकल ये कह रहे हैं कि मिसिंग पर्सन का हल हम करेंगे, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, ये सारी जंग की जड़, ये सारी मुनाफ़त की जड़ तुम हो, तुम क्या किसी मसले का हल निकालोगे? हमारे कातिल तुम हो। जर्मनी की राजधानी बर्लिन ही नहीं बल्कि फ्रैंकफर्ट शहर में भी बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों के बढ़ते जुल्म जबर को लेकर हाहाकार मचता रहा। खास बात ये रही कि जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के सामने एहतजाजी मुजाहरे फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट यानी FBM की जानिब से किए गए और इन मुजाहरों में शरीक जिला वतन बलोच लीडरान और सियासी कारकुनों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के अलावा ईरानी फौज की जानिब से बेगुनाह बलोचों के कत्लेआम की पुरजोर मजम्मत की। बलोच लीडरान ने कहा कि खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाले पाकिस्तान की आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें महकूम कौमों के साथ जालिमाना सलूक से इस्लामी जमहूरिया जैसे अल्फाज की तौहीन कर रही हैं। यह रियासत जिसकी कॉन्सुलेट के सामने आज हम खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं, यह रियासत अपने नाम के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान लगाता है। मेरी नज़र में जमहूरी और इस्लामी ये दोनों अल्फाज इस नासूर के साथ लगने के लायक नहीं हैं, ये इन अल्फाज की तौहीन है। जर्मनी के अलावा नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में भी BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहरों का मकसद रहा पाकिस्तान और चीन की जानिब से बलूचिस्तान के बेशुमार कुदरती वसाइल और बेशकीमती मादनियात की लूट खसूट के लिए जबरन तामीर किए जा रहे CPEC और ग्वादर पोर्ट जैसे मंसूबे और इनकी मुखालफत कर रहे बलोचों की नस्ल कुशी के इंसानी मसले पर पूरी आलमी बिरादरी की तवज्जो मरकूज कराना। काबिले गौर बात यह है कि बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम खुसूसन अगवाशुदा लापता बलोचों की रिहाई के लिए अब पाकिस्तान में भी आवाजें उठ रही हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची में वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की जानिब से लापता बलोचों की बाजियाबी के लिए किए गए हालिया एहतजाज से सामने आई। इस कमीशन को बंद करें और जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उन्हीं पे अमल दरामद किया जाए और लापता अफराद की बाजियाबी को पे अमल दरामद। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जुल्म ज्यादतियां अब सिर्फ बलूचिस्तान तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अलावा अब बैरूनी मुल्कों तक में लापता बलोचों के लिए आवाज उठाने वाले कारकुनों तक को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। ये सच्चाई कनाडा के टोरंटो शहर में बलूचिस्तान की जिला वतन समाजी कारकुन करीमा बानुक बलोच की पुरसरार हलाकत के इंसानी अफसोस वाक़े से वाज़े हो चुकी है। मकतूला करीमा बलोच की मैयत पर नमाज जनाजा अदा करने तक की इजाज़त नहीं दी गई और उनकी मैयत को बलूचिस्तान में आबाई गांव में चोरी छुपे दफना दिया गया। सितम जरीफी ये है कि पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियों ने अब बलोचों की जबरन अगवाकारी और लापता अफराद के मौजू पर मुनाकिदा सेमिनारों पर पाबंदी और उनमें शिरकत करने वाले सियासी और समाजी रहनुमाओं को जान से मारने की धमकियां तक देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है PDM के लीडरों की पाकिस्तान में मिड टर्म आम इंतखाबात करवाने की मांग।
लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खसूसी सेगमेंट तेज़ रफ्तार खबरों का, और इस खसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह आइए डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर में खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में मुख्तलिफ मेडिकल टेस्ट के लिए भारी भरकम फीसें नाफिज कर दी गईं। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में जेरे मुलाजिमत सरकारी डॉक्टर्स ने इसे खैबर पख्तूनख्वा सूबे गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी करार दिया। डॉक्टर्स ने कहा कि पाकिस्तान में रियासत मदीना तर्ज की हुकूमत चलाने के दावे करने वाली इमरान खान की हुकूमत ने गरीब लोगों को इलाज मुआवजे के बुनियादी हक तक से महरूम कर दिया है, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे पाकिस्तान में सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स निजकारी के ऑर्डिनेंस MIT के खिलाफ एहतजाज करते रहे। पाकिस्तानी सीनेट के इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवार वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की शिकस्त से सियासी बहरान में फंसे वजीर आजम इमरान खान ने अपनी पार्टी के पार्लियामानी अराकीन को डरा धमका कर 6 मार्च को दोबारा एतमाद हासिल करने के दिखावे में 178 वोट लिए, लेकिन अपोजिशन पार्टियों के पार्लियामानी अराकीन ने असखुद एतमाद के दिखावे को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देते हुए इजलास का मुकम्मल बॉयकॉट किया। लेकिन पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के बाहर उस वक्त खाना जंगी जैसे हालात पैदा हो गए जब PTI के कारकुनों ने ऑपोजिशन पार्टी PML नवाज के आला लीडरों की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान तौहीन-ए-आमेज सुलूक और जमकर मारपीट की। PEC यानी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम इमरान खान और उनके काबिनाई वुजरा की जानिब से सीनेट इंतखाबात में धांधलियों में मुलव्वज़ होने के इल्जामात पर सख्त नाराजगी जाहिर की। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी किए गए ऐलानिया में वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को चैलेंज किया गया कि अगर उनके पास कोई सबूत हैं तो वो सामने लाएं। एक ही वक्त पर सीनेट इंतखाबात में जीत तस्लीम और हार पर बौखलाहट में इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जाम लगाना आईनी इदारे की तौहीन है। अपोजिशन पार्टी PPP के नव मुंतखब सीनेटर शेरी रहमान और PMLN के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम इमरान खान के इल्जाम को पाकिस्तान इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी बताया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के मुतवाजी निजाम वाले बलूचिस्तान सूबे के सिब्बी जिले में हुए खौफनाक बम धमाके में फौरी तौर पर 5 अफराद जाँबहक और मुतादिद जख्मी होने की तस्दीक की गई। ज़राया के मुताबिक ये बम धमाका बलूचिस्तान में सीपेक और ग्वादर पोर्ट जैसे चाइनीज मंसूबों में काम करने वाले मजदूरों और उनकी हिफाजत में मुस्तैद फौजी एहलकारों को निशाना बनाकर किया गया, लेकिन अभी तक इस बम धमाके की जिम्मेदारी बलूचिस्तान की किसी भी अलहदगी पसंद तंजीम ने तस्लीम नहीं की है। ताहम पाकिस्तानी फौज के एहलकारों ने बम धमाके में अलहदगी पसंद बलोच तंजीमों का हाथ होने के इम्कानात के मद्देनजर पूरे इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम तेज करने की बात कही। PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग के कई खिलाड़ियों के आलमी वबा कोरोना वायरस में मुबतला होने की तस्दीक होने के बाद क्रिकेट मुकाबलों पर पाबंदी लगा दी गई है। इस पाबंदी के बाद PSL मुकाबलों में शामिल दर्जनों खिलाड़ियों को कोरोना वैक्सीन लगाने के दावे किए गए, लेकिन PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए एक टीम तश्कील दे दी है और टीम को यह पता लगाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है कि कुछ बैरूनी खिलाड़ियों को COVID-19 में मुबतला होने के बावजूद उन्हें मैच खेलने की इजाज़त किसने दी। पाकिस्तान सुपर लीग मुकाबलों के क्रिकेट खिलाड़ियों में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद कई शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे में पेश आए 2 दर्दनाक हादसों के बाइस 6 इंसानी जानें तलफ हो गईं। पहला वाकया जुनूबी पंजाब के जिला रहीम यार खान में पेश आया, जहां एक रिहायशी मकान से मियां बीबी और 3 बच्चों समेत 5 लाशें मिलने से इलाके में खौफ और दहशत फैल गई। पुलिस ने 5 मख्तूलीन की लाशें एक ही खानदान की होने को खुद सोजी का मामला बताया। दूसरा वाकया पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में पेश आया, जहां पतंग की कातिलाना डोर ने मोटरसाइकिल पर सवार प्राइवेट कॉलेज के एक प्रोफेसर की जान ले ली। पंजाब सूबाई हुकूमत ने पुलिस से 2 मामलों की तहकीकाती रिपोर्ट्स तलब की हैं। एक बार फिर रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी सेनेट के इंतखाबात में वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की हार को लेकर गहराए सियासी बहरान का। अपोजिशन पार्टियों के इत्तेहाद PDM के लीडरों का कहना है कि पाकिस्तान में ज़िमनी और सेनेट के इंतखाबात में हुकूमती नुमाइंदों को मिली करारी शिकस्त से आर्मी स्टेब्लिशमेंट की कठपुतली वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत अवामी और सियासी हिमायत खो चुकी है, इसलिए इमरान खान हुकूमत को फिलफौर असेंबलियाँ तहलील करके पाकिस्तान में वस्त मुद्दती इंतखाबात करवाने चाहिए।
ये मनाजिर हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में इमरान खान हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरों में लगे गो इमरान गो के नारों के। ऑपोजिशन पार्टियों के पार्लिमानी अराकीन ने सीनेट इंतखाबात में हुकूमती उम्मीदवार वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की करारी हार के बाद अकलियत में आई वजीर आजम इमरान खान हुकूमत से असेंबलियां तहलील करके पूरे पाकिस्तान में फिलफौर वस्त मुद्दती आम इंतखाबात कराने के मुतालबात किए। यही वजह रही कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम में शामिल ऑपोजिशन पार्टियों के आला लीडरान ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से खुसूसी खिताब किया और इमरान खान हुकूमत से फिलफौर मुस्ताफी होकर पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर आम इंतखाबात कराने की मांग दोहराई। हुकूमत के पास आज अक्सरियत नहीं है, ये बात बिल्कुल वाज़े हो चुकी है। अब इसका सिर्फ एक हल है और वो नए इलेक्शन में है। अगर पाकिस्तान को इस सियासी बहरान से निकालना है, इस माशी बहरान से निकालना है, तो वाहिद हल है कि एक नया इलेक्शन हो। ये हमारा खुला चैलेंज है इमरान खान को, मैदान भी हाजिर है। अब यहाँ पर जाली एतमाद का वोट लेने का, असेंबलियों को इस तरह धोस धांधी से चलाने का वक्त ख़त्म हो चुका है। हुकूमत को कौमी असेंबली में जो शिकस्त फाश हुई है उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और उस खिफत को मिटाने के लिए, उस बेइज्जती को मिटाने के लिए कई किस्म के मंसूबा साजी की जा रही है, कई तरीके घड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पूरे पाकिस्तान में वो ज़िमनी इंतखाबात हों या सेनेट के इंतखाबात हों, और ख़ास तौर पर कौमी असेंबली में जिसके लीडर ऑफ द हाउस जो हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान है, उसमें इस तरह शिकस्त खा जाने के बाद मैं समझता हूँ ये जो भी तावीलें पेश करेंगे, जो कुछ भी हीले बहाने करेंगे, जो कुछ भी तौर तरीके करने की कोशिश करेंगे, वो सब फजूल है। पीडीएम में शामिल ऑपोजिशन पार्टियों के लीडरों ने पाकिस्तान में हर ला कानूनियत और बेरोजगारी के आलम में कमर तोड़ महंगाई को लेकर हर तरफ मच रहे हाहाकार को इमरान खान की नाअहल हुकूमत की देन बताया और पाकिस्तानी अवाम को दरपेश मौजूदा तमाम मसाइल के हल के लिए इमरान खान की जाली हुकूमत के खात्मे को नागुजीर बताया। महंगाई बेरोजगारी ने पाकिस्तान के अवाम का बुरा हाल कर दिया। तारीख में इतनी महंगाई और बेरोजगारी नहीं हुई, इतनी बेबरकती नहीं हुई। आज जाकर पता करें कि एक आम आदमी का क्या हाल है, बिजली के बिल ने, गैस के बिल ने, रोजमर्रा खाने पीने की अशिया कहाँ पहुंची हुई, हर चीज उसकी दस्तरस से बाहर, हर तबका जो है वो सरापा एहतजाज है। और वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि मैं चूहों की तरह हुकूमत नहीं करना चाहता। कल की शिकस्त के बाद कोई जवाब बाकी नहीं रहता, सिर्फ एक रास्ता है उनके लिए कि वो पाकिस्तान के अवाम के पास जाएं और स्टेप डाउन करें। 2018 का चोरी शुदा इलेक्शन पाकिस्तान को सिर्फ मुश्किल दे सका, पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ महंगाई दे सका, आज उसका वक्त ख़त्म हो चुका है। आज सिर्फ एक रास्ता है और वो नए इलेक्शन में है। जितनी जल्दी ये करेंगे ये सियासी बहरान ख़त्म होगा, वरना ना मुल्क चलेगा, ना ही पार्लियामेंट चलेगी, ना मईशत चलेगी, और अवाम को मज़ीद महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ये पीडीएम की डिमांड है, ये पाकिस्तान के अवाम की डिमांड है, और हुकूमती बेंचों की डिमांड भी यही है जिसका इजहार उन्होंने कल कर दिया है। पाकिस्तानी इख्तदार पर काबिज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने खिलाफ ओपोजिशन जमातों के अदम एतमाद तहरीक लाने से कबल पार्लियामेंट में दोबारा एतमाद हासिल करने का ऐलान कर दिया, लेकिन पीडीएम के रहनुमाओं ने कहा कि इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत का अब कोई हरबा और बहाना नहीं चलेगा, अब उसका खेल खत्म हो चुका है। इमरान खान
इस वक्त अपनी कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। अब मज़ीद वो हुक्मरान रहने के काबिल नहीं रहे हैं। उनको ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि अब असम्बलियाँ तहरीर होनी चाहिए, असरनौ मुल्क को इंतखाबात दिए जाएं, कौम को उनकी अमानत लौटाई जाए और अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लें। और फिर आप समझते हैं कि ख़ुद उनका वोट भी ज़ाया हुआ है। इमरान ख़ान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये तो अब ना सिर्फ अपोजिशन का मुतालबा है मगर ये हुकूमत के अपने मेंबरान के भी मुतालबा है। सेनेट इलेक्शंस के बाद मार्चेस भी होंगे और अदर एतमाद भी होंगे, लेकिन हम अपना टाइमिंग खुद चूज़ करेंगे कि हम कब अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल करना चाहेंगे। आखिरकार ओपोजिशन जमातों के इत्तेहाद पीटीएम के सियासी लीडरों के जारिहाना तेवरों की वजह से शदीद फजीहत से दोचार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के सरबराहान के आगे सरखम करना पड़ा और खुद को संगीन सियासी बहरान से बचाने के लिए उनसे मदद की गुहार लगानी पड़ी। पाकिस्तान में सियासी हालात पर पैनी नजर रखने वाले तज़ियाकारों का मौकिफ है कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ने इख्तदार के नशे में गाफिल इमरान खान की हुकूमत को ज़िमनी और सीनेट के इंतखाबात में शिकस्त दिलवाकर उसे फिर से अपने शिकंजे में जकड़ लिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज़ इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।